बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत भगुआ गांव स्थित डिग्री कॉलेज के पास बाइक सवार एक व्यक्ति को अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने एक्सीडेंट कर मरवाए जाने का आरोप लगाया है। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत मरका थाना क्षेत्र के भगुआ डिग्री कॉलेज के पास का है, जहाँ पर बाइक सवार इंद्र बलि पुत्र स्वर्गीय मन्ना यादव उम्र करीब 47 वर्ष निवासी अरमार थाना मरका को अज्ञात चार पहिया वाहन ने रौन दिया और मौके से फरार हो गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो परिजनों को सूचना दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत्यु घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया। वहीं मृतक के पुत्र लवलेश उर्फ लल्लू ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे झूठे केस में गांव के ही लोगों के द्वारा फंसाया गया है, जिसकी आज सोमवार को बांदा कोर्ट में तारीख थी। उसी में मैं पिताजी के साथ बांदा गया था, जिसमें वहां पर विपक्षियों से बहस भी हुई है। उसके बाद कोर्ट में तारीख के बाद हम अपने गांव जा रहे थे, तभी बबेरू से मैं दूसरे की बाइक से आगे चला गया और पीछे बाइक में सवार होकर पिताजी आ रहे थे, तभी भभुआ डिग्री कॉलेज के पास अज्ञात वाहन से पिताजी का एक्सीडेंट करवा कर मरवा दिया गया है। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? लवलेश यादव। ये कैसे घटना हो गई है यार? सर जो मुख्य तिवारी थे तो उनका हमारे भैया से थोड़ा विवाद हुआ था, तो हमारे भैया को मारे थे। इसके बाद हमने मुख्य तिवारी के भतीजे को मारा था, पिंटू तिवारी को। तो उसने एक हरजन लड़की लेके चेप्टर लिखवा दिया कि 2 साल पहले इसने रेप किया था। तो हम गए थे तारीख में आज, तो मुखिया तिवारी कह रहा था कि मैंने नहीं करवाया, और वो आज तारीख में लेके गवाही थी तो गया था। तो हमारे पापा बोले कि यार तुम तो कह रहे थे कि हमने नहीं करवाया था मुकदमा, आज कैसे आ गए? तो बोला आ गया हूँ। तो पापा बोले आ गए हो तो ठीक है, लेकिन ये ना कहना कि नहीं करवाया था। जो बात हुई हो इनकी दोनों की, मतलब एक दूसरे को बोलते रहे, तो उसने कहा कि आओ फिर मैं रास्ते में या घर में कहीं भी तुम्हें देख लूँगा, घर पर आ जाओ तो मैं मतलब पंडित की औलाद नहीं, ऐसा बोला। तो फिर घटना क्या हुई है? घटना रास्ते में एक्सीडेंट कराया गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वहाँ से बांदा से आ रहे थे। हाँ। तो पापा हमारे बोले बबेरू से कि देखो ऐसे धमकी दिया, हो सकता है करवा दे, तो तुम दूसरे के गाड़ी में निकल जाओ। तो मैं दूसरे के गाड़ी में थे, बांदा में साथ में आ रहे बांदा से बस में। फिर इसके बाद बैठ गए हम, बैठने के बाद बाला शर्मा की गाड़ी में, और पापा हमारे वहाँ से आते रहे थे, पीछे पीछे हम रहते आगे आगे। तो किस जगह हुई है घटना? ये जो डिग्री कॉलेज पड़ता है ना भभुआ के पास मरवा, यहाँ की घटना। कहे से सच्चा भैया से हुआ है, ब्लोरो से हुआ है। अच्छा, यहाँ अस्पताल लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर हमें मिले नहीं, अभी तक बात ही नहीं हुई डॉक्टर। अच्छा, पुलिस आई है वहाँ पे? जी, फोन किया। तो पुलिस जी कहे में थे आपके? आपके पिताजी कहे में थे? कौन से साधन में? मोटरसाइकिल थे, हीरो स्प्लेंडर गाड़ी में थे। अच्छा, मोटरसाइकिल। अच्छा, पुलिस आई है यहाँ पर? जी गई। तो कहाँ सब को भेज देगा पोस्टमार्टम? अब बांदा बांदा पोस्टमार्टम के लिए। जी, क्या नाम है आपका? लवलेश यादव।